स्टूडेंट्स, हाजिर हूँ मैं अपनी नई क्लास के साथ। आज की क्लास कक्षा 8 की परिमेय संख्याएं। जैसे कक्षा 8 की परिमेय संख्याएं, जो कि इससे संबंधित मैं एक वीडियो आपको पहले भी दे चुका हूँ, आशा है उस वीडियो को पढ़कर या देखकर, उस वीडियो लेक्चर को देखकर आप लोगों की समझ में बहुत कुछ आ गया होगा। उस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, इनको कैसे लिखा जाता है, इनको कैसे समझा जाता है, या परिमेय संख्याओं पर संक्रियाएं करने के लिए जो चिन्ह आवश्यक होते हैं, चिन्हों के नियम जो आवश्यक होते हैं, उन चिन्हों के नियमों को कैसे पढ़ा जाता है, और साथ ही साथ उन चिन्हों के नियमों को मैंने आपको लिखा भी दिया था। आशा है उन नियमों को पढ़ के आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि परिमेय संख्याओं पर चिन्ह कैसे क्रिया करते हैं। जो मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, उन सबसे मैं ये कहना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि मेरा हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच गए। और जो वीडियो मेरा देख चुके हैं, जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं, जो वीडियो दोबारा देख रहे हैं, उन सबसे मैं कहना चाहूँगा कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और लोगों को भी लाभान्वित करें। साथ ही ज़्यादा देर आपका समय ना नुकसान करते हुए चलते हैं अपनी क्लास की तरफ, जो भी क्लास है परिमेय संख्याएं भाग 2। इसमें मैं आप लोगों को आज परिमेय संख्याओं पर संक्रियाएं, जैसे परिमेय संख्याओं पर जो ऑपरेशंस होते हैं वो कैसे किए जाते हैं, वो मैं आपको बताऊं। आज का वीडियो लेक्चर आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा, जिससे कि आप लोगों की समझ में पूरी तरह आ जाए कि परिमेय संख्याओं पर क्या, कैसे, कौन सी क्रिया की जाती है। तो चलिए चलते हैं अपनी क्लास की तरफ और समझते हैं कि परिमेय संख्याओं पर संक्रिया कैसे की जाती है। सबसे पहले हम देखते हैं परिमेय संख्याओं पर योग की संक्रिया। योग की संक्रिया क्या होती है, मतलब परिमेय संख्याओं का एडिशन, विद रूल विदाउट सिंबल्स। जैसे देखते हैं क्या होता है। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है -3/8 + 2/5। इसको साथ मैंने इस टाइप के क्वेश्चन को पिछले भी वीडियो में बताया था, इस वीडियो में आपको रिवीजन करने के लिए फिर से मैं बता दे रहा हूँ। ध्यान से देख लीजिए क्या होगा कि यहाँ पे पहले इसका हम ब्रैकेट हटा लेंगे, 3/8 और +2/5 क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ तो -3/5 और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ 2/8 और बीच में प्लस का निशान अपॉन 8/5। इसको देखते हैं, 5 3 15 +2 8 16 अपॉन 8 5 14, 3 5 15 2 8 16 और 8 5 40। अब यहाँ एक तरफ माइनस लगा है, एक तरफ प्लस लगा है। पिछले वीडियो में आप लोगों को मैंने चिन्हों के नियम के अंतर्गत बताया था कि प्लस और माइनस घट जाता है, तो यहाँ पे इसे घटा देंगे, 16 में से 15 जाएगा, 1 बचेगा और चिन्ह वही लगेगा जो सबसे बड़ी संख्या पे लगा होगा। सबसे बड़ी संख्या पे हमारा प्लस लगा है, तो यहाँ पे हमें प्लस लगाना पड़ेगा। प्लस की ऐसी गिनती ऐसी होती है कि एक अकलौती गिनती के साथ प्लस आप लगाइए चाहे ना लगाइए, आपको वहाँ पे प्लस मान लिया जाता है, आपका प्लस वहाँ पे हो जाता है। तो यहाँ पे आपका 1/40 उत्तर आ गया, ये हमारा आंसर मिल गया। यही संक्रिया, इसको आप अंतर की संक्रिया भी कह सकते हैं, योग की संक्रिया भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने योग शुरू किया था लेकिन सॉल्व इसमें हुआ अंतर के रूप में, अंतर के रूप में सॉल्व होके हमें 1/40 मिल गया। तो आप लोगों को इस क्वेश्चन को नोट कीजिए और अगली स्लाइड में आपको बताता हूँ कि आगे इससे संबंधित कौन से रूल्स होते हैं, कौन से नियम होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे पहले देखा आपने परिमेय संख्याओं पर योग के प्रगुण, अब योग के प्रगुण यानी कि परिमेय संख्याओं का योग करने का नियम। जैसे कि पहला नियम हमारे पास है, पहला नियम है संपरक प्रगुण। संपरक प्रगुण के अंतर्गत आप लोगों ने पढ़ा होगा कि दो पूर्ण संख्याओं का योग सदैव एक पूर्ण संख्या होती है। इसी तरह परिमेय संख्याओं के लिए भी यही नियम निर्धारित होता है कि दो परिमेय संख्याओं का योग सदैव एक परिमेय संख्या प्राप्त होती है। यही हमारा संवर्क प्रगुण है, जैसे अर्थात इसे लिख के बता देते हैं, परिमेय संख्याओं का
परमी संख्या होती है। दो परमी संख्याओं का योग एक परमी संख्या होती है। ठीक, इसमें आप कोई भी दो संख्याएं परमी संख्या आप जोड़ेंगे, उन दोनों परमी संख्याओं का योग एक परमी संख्या होगी। अर्थात जैसे माना P बटा Q एक परमीय संख्या है, परमीय संख्या है, तथा R बटा S दूसरी परमीय संख्या है। P बटा Q एक परमीय संख्या है तथा R बटा S दूसरी परमीय संख्या है। तो संवर्त प्रगुण के अनुसार P बटा Q प्लस R बटा S इनको जब भी जोड़ा जाएगा एक परिमेय संख्या प्राप्त होगी। ठीक, इसीलिए इसको आप लोग नोट कीजिए, अगली स्लाइड में इसका हम एक एग्जाम्पल के साथ इसको इस संवर्ग प्रगुण को समझने का प्रयास करते हैं कि इस संवर्ग प्रगुण को कैसे समझा जाए, कैसे सॉल्व किया जाएगा क्वेश्चन में आ जाए। तो इसे तक आप नोट कीजिए, अगली स्लाइड में आपको मैं एक एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। संवर्ग प्रगुण, संवर्ग प्रगुण को एक उदाहरण की सहायता समझने की कोशिश करते हैं कि तीन बटा नौ तथा दो बटे सात का योग, अर्थात तीन बटा नौ धन दो बटे सात, इनको हमें जोड़ना है। जोड़ने के लिए वही प्रक्रिया, तीन गुणे सात प्लस दो गुणे नौ बटे नौ गुणे सात, इसे कितने सात किया इक्कीस प्लस नौ दुनी अठारह बटे नौ सते तिरसठ, इसको जोड़ने के बाद हमें क्या मिलेगा उनतालीस बटे तिरसठ। देखिए परमीय संख्या मिल रही है, परमीय संख्या है, समझ में आया कि दो परमीय संख्याओं का योग सदैव एक परमीय संख्या होती है, यही संवर्ग योग का संवर्ग प्रगुण होता है। आशा है समझ में आ गया होगा, इसे नोट कीजिए। तब अगला नियम मैं बताता हूं कि योग के लिए अगले नियम को क्या निर्धारित किया जाता है। दूसरा नियम हमारे लिए है योग का क्रम विनिमेय नियम। क्रम विनिमेय नियम क्या होता है कि जैसे दो गिनतियों को जोड़, मान लिया आपने पांच और तीन जोड़ा, वही गिनतियां तीन और पांच करके जोड़ी जाए तो उत्तर पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, यानी पांच प्लस तीन बराबर तीन प्लस पांच, यही हमारे लिए क्रम विनिमेय नियम होता है। क्रम विनिमेय प्रगुण इसी को कहते हैं कि दो गिनतियों को चाहे एक तरफ से घुमा के जोड़ा चाहे दूसरी तरफ से घुमा के जोड़ो, दोनों का उत्तर सेम आता है। उसी तरह परमीय संख्याओं के लिए भी क्रम विनिमेय प्रगुण होता है। अर्थात यदि P बटा Q तथा R बटा S दो परिमेय संख्याएं हैं तो क्रम विनिमेय प्रगुण के अनुसार P बटा Q प्लस R बटा S बराबर R बटा S प्लस P बटा Q। यदि P बटा Q तथा R बटा S दो परमीय संख्याएं हैं तो क्रम विनिमेय प्रगुण के अनुसार P
पी बटा क्यू प्लस आर बटा एस बराबर आर बटा एस प्लस पी बटा क्यू, अर्थात दो परिमेय संख्याओं को किसी भी क्रम में जोड़ने पर योगफल समान प्राप्त होता है। दो परिमेय संख्याओं को किसी भी क्रम में जोड़ने पर समान योगफल प्राप्त होता है। आशा ऊपर के नियम को आपको समझ में आ गया होगा। इस लाइन को लिखने के पश्चात कि दो परिमेय संख्याओं को किसी भी क्रम में जोड़ने पर, अगर उनको किसी भी क्रम में जोड़ा जाए, यानी पहली गिनती को बाद में, बाद की गिनती को पहले, किसी भी क्रम में उनको जोड़ने पर उनका जो योगफल होता है वो एक समान ही प्राप्त होता है। इस नियम को आप नोट कीजिए, फिर अगली स्लाइड में आपको एक एग्जांपल के साथ इसे समझाने की कोशिश करते हैं। चलिए पिछली स्लाइड के नियम को एक एग्जांपल के साथ समझने की कोशिश करते हैं कि पिछली स्लाइड में जो मैंने नियम लिखाया था उसको एग्जांपल के साथ अगर कोई भी डिजिट्स में मिल जाए तो उसको कैसे लिखा जाएगा, कैसे समझा जाएगा। चलिए देखते हैं। जैसे कि हमने परिमेय संख्या दो ली, पहली परिमेय संख्या हमारी है, पहली है माइनस 9/10 और दूसरी हमें मिल ली मैंने 2/5। अब इसको हम क्रम बिंदीय प्रगुण के अनुसार जोड़ते हैं, तो अब क्रम बिंदीय हमारा कहता क्या है, 9/10 प्लस 2/5 बराबर है 2/5 प्लस माइनस 2/10। क्रम बिंदीय प्रगुण के अनुसार यही होगा। अब इसी को हम प्रूव करके देखते हैं क्या क्रम बिंदीय प्रगुण हमें सही बता रहा है, इसको एक बार से प्रूव करके देखते हैं। तो हम पहले LHS ले लेते हैं, यानी लेफ्ट हैंड साइड, इस साइड को, तो ये हमारा है 9/10 प्लस 2/5, तो माइनस 9/5 प्लस 2/10 बटा 10/5 हो जाएगा माइनस 45 प्लस 20/50, अर्थात यह हमें मिल जाएगा माइनस 25/50। ठीक, ये माइनस 25/50 हमें मिल जाएगा। अब RHS को हम ले लेते हैं, राइट हैंड साइड को RHS, RHS हमारे पास है 2/5 प्लस ब्रैकेट के अंदर माइनस 9/10, तो 2/5 प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस 9/10, अब क्रॉस मल्टीप्लाई 10/2 माइनस 9/5 अच्छा 5/10 10 × 20 माइनस 45/5 50। अब घटा देंगे 45 में से 20 तो गया 25/50। निशान लगाया हम माइनस वाले, बड़ा निशान, बड़ी गिनती माइनस का है तो माइनस लगाया, माइनस 25/50। देखिए दोनों बराबर आ गए, तो यानी कि क्रम बिंदीय प्रगुण हमारा एकदम सही है। अब क्रम बिंदीय प्रगुण जब सही है तो आप इसे नोट कीजिए और फिर आपको अगला प्रगुण हम बताते हैं कि योग पर और क्या प्रगुण लगाया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नियम है हमारे पास योग पर साहचर्य प्रगुण। अब साहचर्य प्रगुण क्या होता है कि कोई भी तीन डिजिट हम लेते हैं, कोई भी तीन संख्याएं लेते हैं, तीन संख्याओं में पहली दो संख्या का योगफल, योगफल में तीसरी संख्या जोड़ने पर जो योगफल प्राप्त होता है वो अगली
बार वैसे ही करने पर यानी कि आखिरी दो संख्याओं को जोड़ने में जोड़ योगफल में दूसरी पहली संख्या जोड़ने पर योगफल प्राप्त होता है, दोनों आपस में बराबर होते हैं। अर्थात जैसे हमने ले लिया 3, 4, 5 और इनको हम जोड़ा 3 + 4 और इसमें जब हम 5 जोड़ेंगे तो कितना हमें मिलेगा 4 × 3 = 5 = 12। इसी प्रकार से 3 + आखिरी दो संख्याओं में पहली संख्या जोड़ने पर आखिरी दो संख्याओं के योगफल में पहली संख्या जोड़ने पर भी 5, 4, 9, 3, 12 यही योगफल प्राप्त होता है। इसी को हम साहचर्य प्रगुण कहते हैं। अब यही नियम हमारा परिमेय संख्याओं के लिए भी लागू होता है। तो परिमेय संख्याओं के लिए कैसे लागू होता है वो मैं आपको अभी बताऊं। जैसे माना P/Q, R/S तथा T/U तीन परिमेय संख्याएं हैं, तीन परिमेय संख्याएं हैं, ठीक। तो साहचर्य प्रगुण के अनुसार P/Q, R/S, T/U तीन परिमेय संख्या हमने ली है। अभी तक P/Q, R/S ही लेते थे लेकिन अब इसमें T/U तीसरी संख्या भी जोड़ ली है। तो साहचर्य प्रगुण के अनुसार साहचर्य प्रगुण हमारा क्या कहता है कि P/Q + R/S इनके योगफल में अगर T/U का योगफल ऐड करते हैं तो ये हमारा बराबर होगा P/Q + R/S + T/U इनके योगफल के बराबर। अर्थात पहली दो संख्याओं के योगफल में तीसरी संख्या का योगफल बराबर होता है आखिरी दो संख्याओं के योगफल में पहली संख्या के योगफल के, ठीक। जैसे तीन परिमेय संख्याओं को जोड़ने पर तीन परिमेय संख्याओं को जोड़ने पर पहली दो संख्याओं का योगफल में तीसरी संख्या का योगफल जब जोड़ा जाता है, पहली दो संख्या के योगफल में जब तीसरी संख्या को जोड़ा जाता है अथवा अंतिम दो संख्या के योगफल में जब पहली संख्या को जोड़ा जाता है, जब पहली संख्या को जोड़ा जाता है तो योगफल समान प्राप्त होता है। पहली दो संख्या के तीन परिमेय संख्याओं में पहली दो संख्या जब जोड़ी जाती है और उसमें उसके योगफल में तीसरी संख्या को जोड़ा जाता है अथवा अंतिम दो संख्या को जोड़कर उसमें के योगफल में जब पहली संख्या को जोड़ा जाता है तो योगफल समान आता है।
यही हमारा योग का साहचर्य प्रगुण होता है। नोट कीजिए, फिर अगली स्लाइड में आपको मैं एक एग्जांपल के साथ समझाने की कोशिश करता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं, पिछली स्लाइड के नियम को एक उदाहरण समझने की कोशिश करते हैं। इसे पहली संख्या हम क्या लेते हैं, पहली परिमेय संख्या, इसे हम लेते हैं 2/7। दूसरी परिमेय संख्या हम क्या लेते हैं, 3/5। और तीसरी परिमेय संख्या हम लेते हैं 1/2। ठीक, अब साहचर्य नियम हमारा क्या कहता है, साहचर्य नियम के अनुसार, साहचर्य नियम जो कहता है उसके अनुसार हमारा हो जाएगा 2/7 + 3/5, इसका योगफल 1/2 के योगफल करने पर जो योगफल हमें प्राप्त होगा वो योगफल 2/7 + 3/5 + 1/2 के बराबर होगा। अर्थात भी पिछली स्लाइड में नियम मैंने बताया है कि पहली दो संख्याओं का योगफल में तीसरी संख्या जोड़ने पर या अंतिम दो संख्याओं के योगफल में पहली संख्या जोड़ने पर दोनों प्राप्त योगफल आपस में बराबर होते हैं। तो इसी के साथ इसको चेक भी कर लेते हैं। तो पहले हम LHS साइड लेके आगे बढ़ते हैं। LHS साइड हमारी कहती है 2/7 + 3/5 में 1/2 का योगफल किया जाए। पुराना गठन 5 × 2 = 10, 3 × 7 = 21 और 7 × 5 = 35 ब्रैकेट के अंदर ही रहेगा, इसके बाद 1/2 इधर हो जाएगा, तो कितना हो गया हमारा 31/35 और प्लस 1/2, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई 31 × 62, 35 × 35 = 35 और 35 × 70। अब इसको जोड़ा जाए तो कितना आ जाएगा हमारा 97/70। LHS हमारा 97/70 आ गया। RHS की तरफ चलते हैं। RHS हमारा कहता है 2/7 + 3/5 + 1/2। अब इसको हम आगे बढ़ते हैं क्या हो जाएगा, 2/7 को ऐसे रहने देते हैं, इसमें 5 × 3 = 6 और 5 × 1 = 5 और 5 × 2 = 10, ये हो गया। अब जोड़ते हैं 2/7 + 6 = 11, 11/10 हो गया। अब तिरछा गुणा 10 × 2 = 20 और 7 × 11 = 77/10 = 70 जोड़ने पे क्या मिला हमारा 97/70। यानी LHS और RHS आपस में बराबर आ गए। अर्थात ये जो साहचर्य नियम के अनुसार जो क्वेश्चन लिया गया था उस क्वेश्चन में जो मैंने नियम बताया था उसके उस नियम को ये प्रमाणित करता है कि पहली दो संख्याओं के योगफल में तीसरी संख्या जोड़ने पे या अंतिम दो संख्याओं के योगफल में पहली संख्या जोड़ने पे जो योगफल प्राप्त होता है वो आपस में बराबर होता है। यहाँ 97/70, 97/70 दोनों का योगफल हमें प्राप्त हुआ, ये दोनों आपस में बराबर हैं। ठीक, नोट कीजिए, फिर आगे स्लाइड में कुछ और एग्जाम्पल के साथ इन तीनों नियमों को फिर से समझने की कोशिश करते हैं। चलिए उन तीनों नियमों को फिर से एक एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले नियम हम लोगों ने क्या पढ़ा था, संवरक नियम। संवरक नियम के अंतर्गत हमने क्या पाया था कि दो परिमेय संख्याओं का योगफल सदैव एक परिमेय संख्या होती है। यानी संवरक नियम के अनुसार हमने यही लिखा था, संवरक प्रगुण, दो परिमेय संख्याओं का योगफल सदैव परिमेय संख्या होती है। अर्थात -9/10 + 3/8 इसको जोड़ा जाता है हम लोग तो 8 × 9 = 72 और 10 × 3 = 30 / 10 = 80 तो 72 में से 30 क्या कितना बचा 42/80। ये हमारा एक परिमेय संख्या प्राप्त हुई। ठीक, एक और एग्जांपल के साथ देखते हैं। (9/5 + −3/11
तो ये हो जाएगा हमारा 9 बटे 5 प्लस माइनस कूड़ा माइनस 3 बटे 11, जोड़ेंगे 11 9 99, 15 बटे 11 बचे 55, घटाने पे 15 9 में से 5 गया 4, 9 में से गया 84 बटे 55, एक फर्मी संख्या प्राप्त हुई। समझ में आया, आशा है समझ में आया होगा। फिर एक और नियम लेते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। 3 बटे 8 प्लस 2 बटे 7, समझ करते हैं इसको ब्रैकेट खोल के, 3 बटे 8 ब्रैकेट जब खोलेंगे तो प्लस माइनस गुणा माइनस 2 बटे 7, तो हो जाएगा 7 या 21 और 8 दुनी 16 बटे 8 से 56, घटा देंगे तो 5 बटे 56 आ गया। ये भी एक परिमेय संख्या है, अर्थात संवरक प्रगुण के अंतर्गत दो परिमेय संख्याओं का योगफल सदैव एक परिमेय संख्या होती है, यह आप लोगों को शायद क्लियर हो गया होगा। चलिए इसे नोट कीजिए, फिर अगले प्रगुण को आपको समझाते हैं एग्जांपल के साथ। चलिए अगला प्रगुण हमने क्या पढ़ा था, क्रम बिन्मीय प्रगुण, मतलब दो परिमेय संख्याओं का योगफल उनके क्रम उलट देने पर प्राप्त संख्याओं के योगफल के बराबर होता है। चलिए इसे देखते हैं कैसे होता है। दो परिमेय संख्या ये हो जाएगी, समझ लो पहली संख्या हमने ली माइनस 3 बटे 5 और दूसरी संख्या ली 2 बटे 7। अब माइनस 3 बटे 5 प्लस 2 बटे 7, तो 7 या 21, 5 दूनी 10 बटे 5 सते 35, ये हमें मिल गया माइनस 11 बटे 35। दूसरी तरफ से लेते हैं 2 बटे 7 प्लस माइनस 3 बटे 5, ब्रैकेट खोलेंगे 2 बटे 7 माइनस 3 बटे 5, 5 दूनी 10, 7 या 21 बटे 7 बचे 35, 21 में से 10 गया 11 बचा, मिसाल 21 वाला माइनस का लगाए 11 बटे 35, यानी कि अंकों का क्रम उलट देने पे जो संख्याओं का योगफल प्राप्त होता है उससे उसके क्रम पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगली परिमेय संख्या, अगला एग्जाम्पल लेते हैं, पहला एग्जाम्पल हो गया, दूसरा हम लेते हैं कि 8 बटे 9 और दूसरी परिमेय संख्या ली हमने 1 बटा 5। इसको सबसे पहले हम देखते हैं, पहला 8 बटे 9 प्लस माइनस 1 बटा 5, इसको देखते हैं 8 बटे 9 माइनस 1 बटा 5, 8 पंचे 40, 9 एकम 9 बटे 9 बचे 45, घटाने पे हमें मिला 31 बटे 45। अगली तरफ चलते हैं, अगला था हमारा माइनस 1 बटा 5 और प्लस 8 बटे 9, तो 9 एकम 9 माइनस 9 और 5 40 और 9 बचे 45, अब यहाँ 40 में से 9 गया 31 बचा, निशान 40 वाला प्लस का लगेगा 31 बटे 45। ये हमारा क्रम बिन्मीय प्रगुण हो गया, आशा समझ में आ गया होगा। चलिए इसे आप लोग नोट कीजिए, फिर अगली स्लाइड में आपको तीसरा प्रगुण समझाते हैं। तीसरा नियम आपको मैंने बताया था साचर्य प्रगुण। साचर्य प्रगुण में क्या बताया था, कोई भी तीन परिमेय संख्याएं होती हैं जिनमें पहली दो संख्याओं के योगफल में यदि तीसरी संख्या को जोड़ा जाता है या अंतिम दो संख्याओं के योगफल में पहली संख्या को जोड़ा जाता है तो दोनों प्राप्त योगफल आपस में बराबर होते हैं। इसको एक एग्जाम्पल के साथ आपको बताया भी था, लेकिन फिर से एक एग्जाम्पल के साथ और समझने की कोशिश करते हैं जिससे आपको ढंग से समझ में आ जाए। तो चलिए देखते हैं, माना पहली संख्या हमने ली 1 बटा 8, दूसरी संख्या ली माइनस 3 बटे 5, तीसरी संख्या ली 2 बटे 7। अब साचर्य प्रगुण के अनुसार ये 1 बटा 8 प्लस माइनस 3 बटे 5 और इसके साथ 2 बटे 7 जो कि हमारा बराबर होगा 1 बटा 8 प्लस माइनस 3 बटे 5 और प्लस 2 बटे 7। ये नियम साचर्य प्रगुण के अनुसार ये हमारा बराबर आना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, तो पहले LHS को सॉल्व करते हैं। LHS हमारा कह रहा है कि 1 बटे 8 माइनस 3 बटे 5
प्लस 2/7। अब 5 × 5 8 × 3 24 बटे 8 × 5 40। ब्रेकेट हटा दिया, 2/7 हमने इसे रहने दिया, घटा देंगे -19/40 प्लस 2/7 गुणा करेंगे 19 × 7 = 133 और 40 × 80 = 40 × 7 = 280। अब इसको घटा देंगे, 133 में से 80 गया, कितना बचा? 53 बचा हमारा, कितना बचा? -53/280। ये एनएचएस का तो आंसर ले आए। अब देखते हैं आरएचएस भी नहीं आना चाहिए। आरएचएस में देखा 1/8 -3/5 और +2/7। अब इसको हम लेते हैं 1/8 को पैसे रहने देते हैं, अंदर हो जाता है 7 × 21 -21 +5 × 2 = 10 /5 = 35। ये हो गया। अब ये हमारा हो जाएगा 1/8 और फिर प्लस ब्रैकेट के अंदर 11 में 21 में से 10 गया -11/35। अब ब्रैकेट खोलते हैं, 1/8 -11/35 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा 35 -11 = 88/35 = 35 × 2 = 70 और 70 × 2 = 280। कितना है? 280। अब घटा देंगे 35 में से 88 गया, कितना बचा? 88 में से 35 घटाते हैं, तो 88 में से 35 घटाने पे हमारा बचेगा 53। ये हमारा हो जाएगा -53/280। ये हमारा साहचर्य प्रगुण सिद्ध हो गया। अब आप लोग इसे नोट कीजिए। आशा है आज का वीडियो लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सबसे बड़ी बात चैनल वीडियो को शेयर भी करते रहिए, जिससे कि और आपके स्टूडेंट जो साथ में पढ़ रहे हैं वो भी इसका लाभ उठा सके। और हाँ, जो स्टूडेंट्स मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं या जो मेरे चैनल में पहली बार आए हैं और जिन्होंने मेरा पहला वीडियो यानी परिमेय संख्याओं का पार्ट 1 नहीं देखा है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिससे कि आप उस वीडियो को वहां से खोलकर उस वीडियो को पहले पूरी तरह देख लें, उसके पश्चात इस वीडियो की तरफ आए। क्योंकि अगर जिन्होंने मेरी पहली वीडियो पहले नहीं देख रखी है, पार्ट 1 इसका फर्स्ट पहले नहीं देख रखा है, उनके लिए पार्ट 1 पार्ट 2 समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाए और वहां से पार्ट 1 का लिंक खोलकर उस पार्ट 1 को पूरी तरह से देख ले, उसके पश्चात पार्ट 2 की तरफ आगे बढ़ आए, जिससे कि आपको यहाँ समझाया गया कोई भी क्वेश्चन आपको पूरी तरह से ढंग से समझ में आए। और आप भी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आप लोग नोटिफिकेशन में ऑल का ऑल सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे कि मेरे वीडियो का सबसे पहले आप ही को लोगों को नोटिफिकेशन मिले। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर।